إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر حاضرین گرامی پردہ نشین خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کے دو مختلف سورے سے دو آیتوں کا ٹکڑا پڑھا ہے ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا گھر مسجد کے تعلق سے بیان کیا ہے حاضرین مسجد کی اہمیت فضیلت اور اس کے دنیاوی اخروی فوائد کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہے میں آج آپ کے سامنے اس سے ہٹ کے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کا ہما جہت کردار کیا ہوتا ہے موضوع کا انتخاب اس لیے عمل میں آیا ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں ظالموں کو ہر مسجد کے اندر اپنے عبادت گاہوں کے بقایا جات دکھتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہیں بنا لے جگہ بہت ہیں لیکن ہماری عبادت گاہوں کو توڑ کے حق اور باطل کو توڑ موڑ کے آستھا اور بلیف کی بنیاد پر ایوانوں کا فیصلہ ہو دلائل کچھ بھی نہ ہو صرف آستھا ہے اور آستھے کے بنیاد پر ہی فیصلہ ہو جائیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا
और ऐसे जालिमों के ताल्लुक से ही अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उस आदमी से बढ़ के जालिम कौन होगा, उस आदमी से बढ़ के जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को रोकता है कि अल्लाह की मस्जिदों में अयुद कराफी हसमो, अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र अस्कार किए जाए और सहाफी खराबिहा, मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करता है, मस्जिदों को उजाड़ने की कोशिश करता है, ये तारीख का सबसे बड़ा जालिम है। और अल्लाह तबरक ताला जालिमों को अंजाम तक पहुंचाएगा, जालिम को इबरतनाक अंजाम से दोचार करेगा, ये अल्लाह का वादा है कि हम जालिमों को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे, मजलूमों की मदद जरूर करेंगे। आगे अल्लाह ताला ने उसी आयत में फरमाया ऐसे लोगों के लिए खिज़्युन फिद दुनिया वल आखिरा, आखिरत में तो रुसवाई उनके नसीब हो गई होगी, जिल्ला तो रुसवाई दुनिया में भी उनको थोप दी जाती है, सारी दुनिया थूकती है फिर भी एहसास नहीं है, सारी दुनिया में थुका ले रहे हैं, सारी दुनिया में इज्जत को मिलिया मेट किया जा रहा है, सारी दुनिया वाले कह रहे हैं यहां तक के मुसलमान तो दूर की बात है, मुसलमान कम कह रहे हैं गैर मुस्लिम ज्यादा कह रहे हैं, मुस्लिम ममालिक कम कह रहे हैं गैर मुस्लिम ममालिक ज्यादा कह रहे हैं कि यहां पर जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई और जिल्लत और आखिरत में भी रुसवाई और जिल्लत। हजरात ऐसे हालात और माहौल में हम मसाजिद की हिफाजत कैसे करें, मसाजिद के हमाजहत किरदार को कैसे माशरे के सामने पेश करें, यह मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। हाजरीन, खुतबाए मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुन नूर की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने इस आयत में आयतुन नूर के बाद, यह सूरतुन नूर है, सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, अल्लाह तबरक ताला आसमानों और जमीन के नूर हैं, मसलु नूर ही का मिश्कात, अल्लाह ने अपने नूर की मिसाल दी है, अपने नूर की मिसाल दी है, और ये सूरा नूर की आयत नंबर 34 है 35 है। उसके बाद अल्लाह तबरक ताला ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला बंदों के लिए इंसानों के लिए मिसाल देता है, और फौरन बाद सूरतुन नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह ताला ने मस्जिदों का तस्किरा फरमाया, कहा कि फी बुयूतिन अदिन अल्लाह अन तुरफा, अल्लाह ताला के उन घरों के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि अल्लाह तबरक ताला के घरों को बुलंद किया जाए, घरों की इमारतों को नहीं, बिल्डिंग को नहीं, अल्लाह के घरों के नाम को रोशन किया जाए, अल्लाह के घरों के काम को बुलंद किया जाए, अल्लाह के घरों से खिदमत खल्क को बुलंद किया जाए, अल्लाह के हुकूक अदा हो, अल्लाह के बंदों के भी हुकूक अदा किए जाए। इससे ये पैगाम हमें मिल रहा है कि मस्जिदों को नूर का मरकज बनाना चाहिए, मस्जिद ये हिदायत का नूर हो, तौहीद का नूर का मरकज हो, ये मरकज हिदायत भी हो, मरकज तौहीद भी हो, मरकज ईमान भी हो, मरकज अस्कार भी हो, मरकज इबादत भी हो, मरकज तालीम और तरबियत भी हो, मरकज खिदमत खल्क भी हो, ये मरकज हो अपनों के लिए, ये मरकज हो पराए के लिए, ये मरकज हो मालदारों के लिए, ये मरकज हो गरीबों के लिए, ये मरकज हो मर्दों के लिए, ये मरकज हो औरतों के लिए, ये मरकज हो बच्चों के लिए, हर एक के लिए ये नूर का मरकज मंबा होना चाहिए, यहां से हर तरह का नूर फैलना चाहिए। हज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी का वही रोल रखा कि मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर बनाया। उसके बाद मैंने दूसरी आयत जो पढ़ी आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 18 है, अल्लाह तबरक ताला ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद तो वही करते हैं
من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وأقام الصلاة نماز قائم کرتا ہے وآت الزکاة زکاة ادا کرتا ہے ولم يخش الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے بھی نہیں ہے فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے مسجدوں کو ان تمام چیزوں کا مرکز بنایا کرو حضرین مسجد کے تعلق سے اسلامی تعلیم یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے کہ جو لی الارض مسجدا وطہورا کہ ساری سرزمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا گیا ہے کہیں بھی مسجد وقت ہو نماز پڑھ لو لیکن اتنی دوری پر ہے کہ آپ اذان سن رہے ہو تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کہیں بھی پڑھ لے سکتے ہو اس کے باوجود اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ترمذی کی حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم واجب ہوتا ہے کیا حکم دیا ہے کہ محلوں میں آبادیوں میں اور گاؤں میں شہروں میں دیہاتوں میں محلات میں جو بھی علاقہ ہے وہاں پر مسجد بنایا کرو بنا المساجد مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا ہے کیوں آپ کو پتا ہے مسجد بنانے کا کیوں حکم دیا ہے مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ایمان ہدایت حقوق اللہ حقوق العباد یہاں آ کے انسان سدھرتا ہے یہاں آ کے انسان کی دنیا سدھرتی ہے یہاں آ کے انسان کی آخرت سدھرتی ہے مؤذن کہتا حیا للفلاح حیا للصلاح حیا للفلاح کامیابی کے لیے یہاں آیا کرو ہم نے لاک ڈاؤن کے ایام میں دیکھا ہے کہ لوگ مسجدوں کے دروازہ کھولنے اور کھلوانے کے لیے ترس گئے تڑپ گئے یہاں کے انسان کو سکون ملتا ہے یہاں ہر طرح کے مسئلے کا سلوشن ملتا ہے یہاں ہر آدمی اپنے اپنے عرض اور امیدیں لے کر آتا ہے بارگاہ الہی میں اپنی حاجت اور ضرورت کو رکھتا ہے اس لیے مسجد کا ہونا نہایت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے گوناگو مصروفیات کے باوجود آپ نے پہلا کام کیا آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی قبا میں آپ چند دن ٹھہرے وہاں پر مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور مسجد کی بنیاد جہاں ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں لمسجد اسس علی التقویٰ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے من اول یوم پہلا دن جہاں پر توحید پرستوں کی مسجد شروع ہو وہ تاریخ کا پہلا دن ہوتا ہے تاریخ کا پہلا آغاز ہوتا ہے وہاں سے دیکھو اب تاریخ رقم شروع ہوتی ہے ہر طرح کے نور کا پیغام عام ہوتا ہے حضرت گرامی یہ مسجد کا تعلق مومن کے ساتھ ایسا ہے ترمذی کی اس روایت کے شرح میں شارع تحفۃ الاحوادی شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک مومن کا تعلق مسجد سے ایسا ہوتا ہے جیسے پانی کا تعلق مچھلی سے اور مچھلی کا تعلق پانی سے ہے پانی سے مچھلی کو باہر لاؤ وہ تڑپ جائے گی سسک جائے گی بلک جائے گی تڑپنا شروع کر دے گی مومن کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے مسجد سے اس کو دور کرو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے جیسے ایک مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہے مومن کو بھی مسجد کی جدائی اور مسجد کی دوری ستاتی ہے تڑپاتی ہے اور منافق کے لیے مسجد گویا کہ ایک قید خانہ ہے قید خانے کی طرح ہے ایک قیدی کو لے جا کے قید خانے میں ڈالا جاتا ہے وہ تکلیف سے رہتا ہے کب اس کو چھوڑ دیا جائے اور کب بھاگے یہاں سے منافق وہ ہوتا ہے جو مسجد میں آنے کے بعد اس کو سکون نہیں تکلیف ہوتی ہے کب بھاگے یہاں سے کب نکلے اس چکر میں وہ رہتا ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے دل میں نفاق رکھتا ہے حاضرین یہ میں نہیں بہت پہلے شارح ترمذی نے بیان کر دیا ہے اور واقعی معنی میں یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائیو بہت اہم بات ہے مسجدوں کی تعمیر کا حکم نبی نے کیوں دیا جب تک مسجدیں ہیں ظالموں تم
भी सुन लो, उस वक्त तक दुनिया कायम है जिस घड़ी मस्जिदी खत्म हो जाए। मस्जिदें खत्म हो जाए, दुनिया भी खत्म हो जाएगी, दुनिया भी वीरान हो जाएगी। आपने बारहा यह हदीस सुनी है कि आखिरी जमाने में, आखिरी जमाने में, आखिरी दौर में हरमाइन शरीफाइन को उजाड़ दिया जाएगा, कोई वहां पर नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे, जालिमों का कब्जा होगा, नमाज से उनको रोक दिया जाएगा। क्या कुछ मिला? नमाज पे पाबंदी, अब जो है वह नमाज नहीं, ये एरिया जो है इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया, ए डी कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। याद रखो ये हरमाइन शरीफाइन के साथ भी होगा, बहुत बड़ा फितने का दौर होगा। नबी ने फरमाया कि देखो जब हरमाइन और शरीफाइन को उजाड़ दिया जाए, वीरान कर दिया जाए, हर मस्जिद का ताल्लुक हरमाइन शरीफाइन से होता है, याद रखो हर मस्जिद का ताल्लुक हरम से है। जो इंसान हरम को बर्बाद करेगा, याद रख उससे पहले तो सारी मस्जिदों को ही वीरान कर दिया जाएगा। उस वक्त कयामत आएगी, उस वक्त कयामत आएगी। और कयामत कैसे लोगों पर आएगी, कैसे लोगों पर आएगी? दुनिया के सबसे बदतरीन लोग होंगे। नबी की एक हदीस सुन ले, मुसनद अहमद की सही रिवायत है, नबी ने फरमाया कयामत जब आएगी तो दुनिया के सबसे बदतरीन मखलूक दो हैं। सारी मखलूकात में अल्लाह की मखलूकात क्या क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, मामूली से मामूली, घटिया से घटिया जानदार भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे बदतरीन मखलूक दो हैं। शर्रुल बरिया कहा, शर्रुल खल्क कहा। कौन दो? कहा कि वो लोग जो कब्रों का सजदा करते हैं, जो कब्रों का सजदा करते हैं, और दूसरे वो लोग जो जिंदा हो और उन पर कयामत आ जाए, जो जिंदा हो और उनकी जिंदगी में कयामत आ जाए। सबसे बदतरीन लोग होंगे वो, सबसे बदतरीन लोग होंगे। अब सोचो कि मस्जिदों को वीरान जब कर दिया जाएगा कौन करेंगे? सबसे बदतरीन लोग ना। और मस्जिदों को वीरान करने के बाद ऐसे बदतरीन लोग बचे रहेंगे तो कयामत आएगी। मस्जिदों को वीरान करने वाले बदतरीन लोग होते हैं, और मस्जिदों को खत्म करना कयामत को दावत देने के बराबर है। याद रखो जालिमों, तुम अपने अंजाम तक पहुंच रहे हो, जा रहे हो, और याद रखो ये दुनिया का वजूद है मस्जिद की वजह से। इस दुनिया में रुई जमीन पे जब इसको बसाया गया, सबसे पहले अल्लाह ताला ने काबे के नीचे की मिट्टी बनाई, और काबे के नीचे की मिट्टी से सारी मिट्टी को फैलाया है, और इस रुई जमीन पे पहला घर ये बनाया गया है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वो घर जो मक्के में है दुनिया का पहला घर है। जब इसको उजाड़ दोगे, याद रखो कि दुनिया भी खत्म हो जाए। हज़रत गिरामी, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि तुम मस्जिदों को बनाया करो, आबाद किया करो, क्योंकि यहाँ आने वाले अच्छे लोग होते हैं। मस्जिदों से जो दूर है वो बुरे लोग, बदतरीन लोग होते हैं। आज भी आप देख लो, किसी भी मसलक में हो, किसी भी मसलक में हो, जिनका ताल्लुक मस्जिदों से है वही मुआशरे के अच्छे लोग होते हैं, जिनका ताल्लुक मस्जिद से नहीं है वो मुआशरे के अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं। किसी भी आप मसलक में ले लो, यहां तक कि वो लोग जो कब्रों का सजदा काटते हैं, शिर्क करते हैं, उनको यहां पर जाकर मजा मिलता है। नमाज में देखो, जुमा में तो आना है, जुमा तो आप वहां पढ़ नहीं सकते हैं। कब आते जुमा में? सबसे आखिर में आते हैं, सबसे मजा नहीं आता। कब सलाम फेरेंगे? इमाम साहब अगर किरात लंबी कर दें उनको तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि कैद खाने में बंद कर दिया गया है, मजबूरन आए हुए हैं। वही देखो जब शिर्क करते हैं तो उनको मजा आता है। हाँ, याद रखना मेरे भाइयों, ये बहुत अहम बातें थी जो मस्जिदों के ताल्लुक से आपके सामने मुझे बुनियादी तौर पर अर्ज करना था। इसीलिए नबी ने मस्जिदों को आबाद करने, मस्जिदों को बनाने का हुक्म दिया है। नबी ने फरमाया जिस मोहल्ले में दो चार आदमी हो और वहां पर मस्जिद ना हो, वहां पर मस्जिद ना हो, अजान की आवाज नहीं आती हो, तो याद रखो मेरे भाइयों कि शैतान का हमला वहां होगा। अब देखो दुनिया में अब शैतानी एजेंडा, जिसको एलोमिनाटी एजेंडा कहा जाता है, हाँ, अब जानते हैं कि एलोमिनाटी एजेंडे पे काम हो रहा है। शैतान और शैतान के पूजा करने वाले शैतानियत को हवा दे रहे, फरोग दे रहे हैं। यहां पर मस्जिदों में अजानों में पाबंदी लगाई जा रही है, और
अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह के हिफाज़त और माआज़ कि ऐसी चीजों को कानूनी बनाया जा रहा है। कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ये कानून है, हर एक का हक है। हम जिस परस्ती ये हक है, होमोसेक्सुअल का कि उनका राइट है, एक औरत एक मर्द कई कैसे ताल्लुक रखे या शादी किए बगैर लिव इन रिलेशनशिप में रहे वो उनका हक है, उनकी आजादी है। क्या इबादत करना हमारा हक नहीं है? अल्लाह के नाम लेना हमारा हक नहीं है? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत करना उनका राइट नहीं है? क्या इसमें हमारी आजादी नहीं है? शैतानी कामों को तुम आजादी के नाम पे फरोग दे रहे हो, शैतानी कामों को तुम कानूनी बना रहे हो, और जो अल्लाह के काम है, नेकी के काम है, सदके के काम है, ईमान के काम है, तौहीद के काम है, अल्लाह के काम है, रहमत के काम है, कर्म के काम है, खिदमत खल्क के काम है, ऐसे लोग ऐसी चीजों पर पाबंदी लगा रहे हो, बताओ ये जुल्म ज्यादती नहीं? शैतान के राहों में चलना नहीं तो क्या है? क्या है? शैतानियत को हवा दिया जा रहा है, शैतानी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये हर जमाने में रहा, हर जमाने में रहा, अब भी रहेंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, हर जमाने के ताल्लुक से अल्लाह तबरक तआला ने यह बयान भी किया है, बयान किया है अल्लाह ने सूरह हज आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। मुकम्मल आयत पढ़ के तर्जुमा करने के लिए वक्त नहीं, मैं आपको पैगाम देता हूं, आप जाके पढ़ ले उसको। सूरह हज अल्लाह ताला ने फरमाया, लौला दफअल्लाहु अन्नास बअदहुम बिबअद, अल्लाह तबरक तआला अगर बास का दिफा बास के जरिए से ना करें, बास का दिफा बास के जरिए से ना करें, तो याद रखो जमीन में फितना फसाद होगा, इबादतगाहों को उजाड़ दिया जाएगा। लहुद्दिमतिस सवामी वल बिया मसाजिद, चाहे ये सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं कहा, मस्जिदों के साथ साथ कहा कि क्रिश्चियनों के, ज्यूस के, यहूद और नसारा की इबादत गाहों को भी उजाड़ दिया जाएगा और मस्जिदों को भी उजाड़ दिया जाएगा। हो सकता पहले टारगेट मस्जिद है, उसके बाद उनका टारगेट दूसरे होंगे, इसलिए सबको चाहिए इस मैदान में आ गए आए, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए आप आवाज उठाए, अपना हक लेने के लिए आवाज उठाने में कोई हर्ज नहीं है, कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़े, कानून को हाथ में ना ले, गलत इकदाम ना उठाएं, और उसके बाद अगर चलो ठीक है, तुम्हारे अपने जोर से तुमने हक को बातिल, बातिल को हक, ना इंसाफी कर ली है, अल्लाह तो ऊपर देख रहा है ना। दुनिया में किसी को हूबहू बदला नहीं मिलता है, इसीलिए अल्लाह ने मौत और आखिरत रखी है। क्या कहा अल्लाह तबरक तआला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 में अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, क्यों मौत का मजा चखना है, व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें तुम्हारे किए धरे का पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन देना है, इसलिए मौत आना है। ये दिन दुनिया यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला होता है, ये दुनिया कमजोरों को दबाती है, ये दुनिया मजबूरों के हक छीनती है, ये दुनिया ताकत के सामने झुकती है, ये दुनिया में नाइंसाफी होती है। वही में हमारा मुनसिफ है, जो हमारा कातिल है, जो हमारा कातिल वही मुनसिफ है। किससे तुम इंसाफ की तमन्ना रखोगे, किससे तुम आरजू रखोगे कि इंसाफ करें, जिनके पास ना अल्लाह का डर है, ना खौफ है, ना ईमान है, ना कुछ और है, और जिनके पास ही होता है कुछ ना कुछ इंसाफ की बात तो वो करते हैं। हाजरीन गिरामी, ये मस्जिदों की तामीर, उसकी आबाद और उसको आबाद करने के फवायद, और क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा कि सारी सरजमीन मस्जिद तो है लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद खास इलाके में बसाना, वरना शैतान का तसल्लुत हो जाएगा। हज़रे निगरामी, माजरत के साथ हमें कहने दीजिए, मस्जिदों की हिफाजत के लिए हमें उसको आबाद करना पहले, हमारे घर, हमारे इलाका और मोहल्ला मस्जिद से करीब होना चाहिए। आप घर बनाते वक्त, घर बसाते वक्त, घर लेते वक्त, ढूंढते वक्त आप मस्जिदों से करीब रहा करो। मस्जिद के कुर्ब जवार में सारे मुसलमान हो, उसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है, मस्जिद से आपको फायदा होगा और आपके जरिए से मस्जिद को भी फायदा होगा। याद रखना, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं अल्लाह ताला उनको आबाद करता है। मस्जिदों को आबाद करना अपने आप को आबाद करने के बराबर है, मस्जिदों को वीरान करना अपने आप को वीरान करने के बराबर है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा घर ऐसे होना चाहिए, ऐसे इलाके में जो ऑफिशियल हो,
ऑफिशियल एरिया में हो जहां पर साउंड ना आए, आवाज ना आए। क्यों इतने डरपोक बन गए कि आवाज, छोटी आवाज सुन के नींद होशियार हो जाती है? हाँ, और ऑफिशियल एरिया का क्या मतलब होता है पता है? ऑफिशियल एरिया का मतलब यह है जो गफलत की नींद सोते रहे। ऑफिशियल एरिया का मतलब होता है जो लोग सुबह सवेरे उठ के अल्लाह का नाम नहीं बल्कि कुत्ते लेकर फिरते रहे, नीम बरहना लिबास में, आधे पीधे लिबास में सुबह उठ के फिरते रहे, जहां पर दिन रात अल्लाह की लानतें और फिटकार नासिल होती है, जहां पर अल्लाह की रहमतें नहीं बरसती है, हम समझते हैं कि यह ऑफिशियल एरिया है, वहां रहने की, वहां घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाजरीन, हमें सबसे पहले इससे नुक्ता नजर से अपने आप को नजर सानी करना है। दूसरी बात, अल्लाह तबरक ताला ने कुरान में जहां जहां पर मस्जिदों का तस्किरा किया, मस्जिदों को आबाद करने वालों के लोगों का भी तस्किरा किया कि वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह तबरक ताला ने आगे फरमाया, सूरतुन नूर आयतुन नूर के बाद अल्लाह के मस्जिदों का तस्किरा है, उसके फौरन बाद अल्लाह ने उसी आयत में फरमाया, क्या फरमाया है? रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बाइक, मस्जिदों को करने वाले, मस्जिदों को आने वाले, मस्जिदों से लव लगाने वाले, मस्जिदों से दिल लगाने वाले ऐसे होते हैं, उनके कारोबार और तिजारत उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती है। ये दुनिया देखो, नबी ने फरमाया, तिर्मिजी की हदीस है, लिकुल उम्मत फितना वा फितनतु उम्मति अलमाल, हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले होते हैं, जिनके दिलों में मस्जिदों चाहत लगाओ और मोहब्बत और उल्फत होती है, उनके कारोबार और तिजारत, उनकी ड्यूटियां, उनके काम काज, उनके कारोबार और उनके मुख्तलिफ तरह के काम उनको मस्जिदों से रोक नहीं सकते हैं। वो अज्म हिम्मत वाले होते हैं, जिगर गुर्दे वाले होते हैं, वो रहते हैं बाहर लेकिन दिल उनका मस्जिदों में लगा हुआ होता है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम मस्जिदों में पड़े रहो काम काज छोड़ के, काम काज करो, फुर्सत मिलते ही मस्जिद में आके वक्त गुजारा करो। हमारा सबसे ज्यादा वक्त अपने घर के अलावा मस्जिद में गुजरना चाहिए, मस्जिद में गुजरना चाहिए। कहा कि ये जिगर गुर्दे वाले होते हैं, ये रिजाल हैं, ये मर्द मुजाहिद हैं, जिनके काम काज, उनके ड्यूटी, उनके कारोबार, वो तिजारत अल्लाह के जिक्र से, नमाज कायम करने से रोक नहीं सकते हैं। अल्लाह की आजमाइश होगी जब आप दुकान में हैं, उसी वक्त कस्टमर आएंगे जिस वक्त आपकी जमात का वक्त हो, नमाज का वक्त हो, उसी वक्त आपको अल्लाह ताला दिखाएगा कि बंदा क्या करता है। हय्याल फला, कामयाबी वो ढूंढने जाता मस्जिद में या इस कस्टमर से वो डील करता है। अल्लाह देखना चाहता है, अल्लाह देकर भी आजमाता है, अल्लाह छीन कर भी आजमाता है। निगरामी, फिर आगे अल्लाह तबरक ताला ने फरमाया कि देखो इसी आयत में आखिरी टुकड़े पे गौर करना, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा बिगैरि हिसाब। अल्लाह अकबर, उसी आयत में हाँ कहा कि ये गाफिल नहीं होते हैं। हम क्यों गाफिल हो जाते हैं? इस कस्टमर को अगर अटेंड नहीं करूंगा तो मेरी रोजी रोटी कमाई कम हो जाएगी। अल्लाह कह रहा है इस आयत को पढ़ ले बंदा, इस आयत को अपने दिमाग में रख ले बंदा, वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा बिगैरि हिसाब। अल्लाह तबरक ताला बेहिसाब रोजी रोटी देता जिसको चाहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने समंदर में जिसको रखा है उसकी रोजी रोटी का इंतजाम किया खुशकी से, मगरमच्छ का इंतजाम, रोजी रोटी का इंतजाम किया है खुशकी से, और खुशकी में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले के रोजी रोटी का इंतजाम किया है अल्लाह तबरक ताला पानी से। अल्लाह की यह मशीयत है, अल्लाह की यह मर्जी है। हाजरीन, दूसरी आयत सुन ले जो मैंने पढ़ी है, सूरह तौबा की आयत, इसमें भी अल्लाह ने बहुत पते की बात बताई है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले ईमानदार होते हैं। मन आमन बिल्लाह वल्यौम आखिर वाकाम अस्सला वात अस्सका। मस्जिदों में हम ये काम करते हैं? अगर मस्जिदों में ये काम नहीं है, याद रखो मस्जिद वीरान होने की तरह है। मस्जिदों में क्या करना है? अल्लाह का नाम लेना, जिक्र अज़कार होना चाहिए, अल्लाह का नाम बुलंद होना है, झगड़ों की आवाज बुलंद नहीं होना है, झगड़ों की आवाज बुलंद नहीं होना है, अल्लाह के नाम का जिक्र की आवाज बुलंद होना है। मस्जिदों में याद रखिए मुसल्ली बनने का झगड़ा
होना चाहिए, मुतवल्ली बनने का झगड़ा नहीं होना चाहिए। याद रखो मेरे भाइयों, ये मस्जिद अल्लाह तबरक ताला के घर है, किसी और की जागीर नहीं है, ये अल्लाह ताला का घर है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है, मस्जिद अल्लाह के लिए है। याद रखो मेरे भाइयों, यहाँ पर किसी की जागीरदारी नहीं चलेगी, यहाँ पर किसी के अपने आना नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर अल्लाह का निजाम चलेगा, अल्लाह का सिस्टम चलेगा, यहाँ पर निजाम चलेगा, अल्लाह का कानून चलेगा। यहाँ किसी मालदार का नहीं, यहाँ किसी दिलदार का नहीं, यहाँ किसी हुकूमत करने वाले का नहीं, यहाँ पर अगर कानून चलेगा अल्लाह का चलेगा, और अल्लाह के कानून के मुताबिक बात करने वालों का चलेगा। याद रखना मेरे भाइयों, من آمن بالله يوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة, اور یہاں پر اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا ہونا ہے, یہاں پر زکات اللہ کے غریب اور جو محتاج مسکین پریشان حال ہیں ان کے یہاں سے خبر گیری ہونی چاہیے, ان کو یہاں سے نوازنا چاہیے, یہاں سے بیت المال کا نظام و سسٹم ہونا چاہیے, یہاں سے تعلیم و تربیت کا نور پھیلنا چاہیے۔ یہ دیکھو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی بیان کیا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ علم یخشا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں, جو مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں, مسجدوں سے لاؤ لگاتے ہیں, اللہ کے گھروں سے آپ جڑے رہتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں, اور جس کے پاس ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے پاس اللہ کی طرف سے امید حوصلہ اور اللہ کی طرف سے ہمت آئے گی, وہ کسی سے ڈرے گا نہیں, کسی سے پریشان نہیں ہوگا۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں, کتا بھی اس کو ڈرائے گا, بلی بھی اس کو ڈرائے گی, سامنے سے بلی چلے گی وہ ڈر جائے گا, الو بول دے ایک پرندہ بھی اس کو ڈرائے گا, لیمو پھٹکری کو دیکھ لے ڈر جائے گا, ایک انڈا بیچ راستے میں پڑا ہوا ہے اس سے وہ ڈر جائے گا۔ کون؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, توحید نہیں ہے, توکل نہیں ہے, عزم نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, استقامت نہیں ہے, وہ ڈر جائے گا, اس کو معمولی معمولی چیز ڈرائے گی۔ لیکن جس کے پاس یہ ساری باتیں ہیں اور مسجد سے تعلق ہے, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا وہ, چاہے وہ کتنا بڑا ظالم و جابر کیوں نہ ہو۔ اور آخری ٹکڑا بہت اہم ہے, فَأَسَا أُولَئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت کا سر چشمہ مسجد کو بنایا کرو, یہاں سے ہدایت حاصل کیا کرو۔ اللہ اکبر, وہ لوگ جو عشاء اور فجر کے درس میں 10 منٹ بیٹھ کر مسلسل سنتے ہیں, یاد رکھو ان کے پاس اتنا علم آتا ہے کہ کبھی کبھار اچھے خاصے آدمی سے بڑھ کے علم آتا ہے۔ ہاں شرط ہے کہ ہم مسجدوں میں قرآن و حدیث کا درس دیا کریں, کسی آئرے غیرے نتو خیرے کے کتاب کا درس نہیں ہونا چاہیے, یہاں سے قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے, اللہ اس کے رسول کی باتوں کو یہاں سے پھیلاؤ۔ دیکھو کتنا فائدہ ہے, ہدایت ہی ہے۔ اور کعبے کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا ان اول بیت ودیا للناس للذی ببکہ, جو مکے میں ہے یہ کیا ہے؟ خدل للناس ہے, یہ ہدایت کا سر چشمہ وہی ہے۔ مسجدوں میں واقعی معنی میں جو کعبے کا رول, مسجد نبوی کا رول ادا کرو گے تو انشاءاللہ مسجدوں سے بڑا فائدہ ہوگا۔ حاضرین گرامی, مسجدوں کے تعلق سے آخری بات آپ سن لیں, ان مسجدوں کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ مسجدوں میں جو لوگ آتے ہیں, مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آباد رکھتا ہے, ان کو آباد رکھتا ہے۔ ایک حدیث سن لیں, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی ذکر ہوا ہے, اِنَّ لِلْمَسَاجِدِ الْأَوْتَادَ, مسجد کے کچھ ستون ہوتے ہیں, مسجدوں کے ستون, یہ جو اینٹ سیمنٹ گارے اور سٹیل کے ستون نہیں, انسانوں میں سے کچھ ستون ہوتے ہیں۔ ہاں مسجدوں میں وہ میخ کی طرح ستون کی طرح رہتے ہیں, مسجدوں کے سپورٹ کرتے, مسجدوں کے لیے خیر کا کام کرتے, مسجدوں میں ہر طرح کے کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ وقت پڑھتے ہی فوراً مسجدوں میں آ جایا کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کیسے فائدہ دیتا ہے؟ کہا کہ جب یہ لوگ غائب ہوتے ہیں, اذا غابوا یفتقدون, جب وہ غائب ہوتے ہیں تو جب مسجد میں آتے ہیں, الملائکۃ جلساؤہم,
फरिश्ते उनके साथी बनते हैं। मस्जिदों में आप आके बैठे हैं, फरिश्ते आपके साथ हैं, फरिश्ते आपके हमराह हैं, फरिश्ते आपके हमनशीन हैं। और जब मस्जिद से गायब हो जाते हैं, यही फरिश्ते आपको ढूंढते हैं, कहां गया मेरा दोस्त, मस्जिद में आने वाला किसी मजबूरी में है, अल्लाह उसकी मजबूरी को दूर करता है, किसी परेशानी हाजत में है, अल्लाह उसकी हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्ते को बना देता, सहारा देता है कि जाओ इनका नफी हाजत, अगर वो किसी हाजत में उसके ताउन किया करो, अगर वो बीमार हो इन मारिदु आदूहुम, अगर वो बीमार हो जाए, ये फरिश्ते उनकी यादत के लिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है कि मस्जिदों के सुतून बनकर रहा करो, मस्जिदों को आबाद करो। और आखिरी पैगाम मेरे भाइयों के, आज के मौजूदा हालात में मस्जिदों को हिदायत और तौहीद का सरचश्मा बनाना बहुत जरूरी है। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारा करो, मस्जिदों से तौहीद का पैगाम आम किया करो, इससे बड़ा फायदा होगा। आज जो बाहर के स्कूल कॉलेज का माहौल आप देख रहे हैं, ऐसे माहौल में क्या होता मेरे भाइयों, स्कूल कॉलेज के माहौल में ईमान का सौदा हो रहा है, अकीदा को बर्बाद किया जा रहा है। इतने में बहुत जरूरी है कि जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जहर कातिल है, हम मस्जिदों में बेहतरीन मकतब का निजाम बनाएं, मजबूत निजाम बनाएं, मस्जिदों में मकतब और मदरसे का निजाम बनाएं, यहां से बच्चों की नौनिहालान की बेहतरीन तरबियत होना चाहिए। अकीदा तौहीद ईमान को मजबूत करो, मस्जिद से इनका ताल्लुक को उस्तवार और मजबूत किया करो, बहुत जरूरी ऐसे हालात में। वरना याद रखिए कि कल के दिन ये जो चाहते हैं कि मुसलमानों को दीन से बेदीन किया जाए, उसी मकसद में वो कामयाब हो जाएंगे। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और मस्जिदों का हमाचहत किरदार और पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद में आने से जो फवायद होते हैं, उन फवायद को आम करें और मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदें बनाया करें, और मस्जिदों को बनाने में आबाद करने में हर एतबार से ताउन किया करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अज़्म व हिम्मत दे, नेक तौफीक दे, नेकी की तौफीक दे। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।